असलम, मैं मोहम्मद असलम, मैं अहमदुल्लाह। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शंस यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ठोके। तो चलते हैं आज की वीडियो। जो वीडियो का टाइटल है पाक पब्लिक क्राइंग ऑन इंडियन इंटेलिजेंस रॉ। हाँ जी हाँ जी, पाकिस्तान के अंदर कोई भी मसला आज ना वो बस इल्जाम होता है। आदित्य पांडे की भाई की बात बिल्कुल ठीक निकली। वो बोलता है कि जो भी मसला हो जाए उसमें राह को मुलव्वस कर लेते हैं। चले खैर, देखते हैं वीडियो क्या है, वीडियो फिर देते हैं इस पर एक्शन। अभी खबर के मुताबिक पाकिस्तान के इलाका बन्नू में एक अटैक हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जिसमें 2 जवानों की जाने गई और साथ ही साथ 11 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। और इल्जाम ये लगाया जा रहा है खबर के मुताबिक कि अफगानिस्तान से कुछ लोग आए थे और अफगानी बशिंदे ने यह अटैक किया। जो दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी फिर आ गई, वजह क्या है? हमने गलतियां की हैं, मान लेना चाहिए। हमने ब्लंडर्स किए, हमारी पॉलिसियां गलत थी, हमने पराई जंगें लड़ी, मान लेना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट खुद बयान कर रहे हैं, यानी ये हम करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे और उसके बाद हम कहेंगे कि हम दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर पा रहे, हम मईशत का मुकाबला नहीं कर पा रहे। बाहर की हमारी कोई सरहद जो है वो उस पर अमन नहीं है और दुश्मन इकट्ठे हैं। हम अंदर तकसीम दर तकसीम है और नफ़रतों में घिरे हुए हैं। अब ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कहती है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं वो UAE में और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। सो आप ही पता ये चलता है के अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान ने एक और मुल्क दरियाफ्त किया है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान में हर हफ्ते में 1 या 2 अटैक मुख्तलिफ एरियाज में होते हैं और हमेशा हम ये कहते नजर आते हैं कि अफगानिस्तान से किसी ने अटैक किया। कभी इंडिया का नाम लेते हैं और कभी हम दुनिया के दूसरे कंट्रीज का नाम लेते हैं। भारत जिस तरह कोशिशें करता है हम उसके डोजियर्स पेश कर देते हैं, लेकिन इसी सिलसिले को हमने इसका तसलसल रखना है क्योंकि भारत बाज नहीं आता, तो इसका मतलब है इन्हें काउंटर करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। बदतरीन मुआशी बोरान में गिरा पाकिस्तान बदतरीन दहशतगर्दी की खुदा ना खास्ता लहर की तरफ जा रहा है। कि रॉ वो कहते हैं जी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में घुसी हुई है, हमारी जो है वो आर्म्ड इंसर्जेंसी में है, कश्मीर के अंदर वो इन्वॉल्व है, हमारे जो सिख एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में उनके पीछे है। तो भाई हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार सिर्फ इस चीज़ में मसरूफ है कि हम सिर्फ बातें करेंगे, हम झूठ बोलते हैं। मुस्लिम उम्मा के सरदार होते हम तो आज ये इस्लामी कानून होता, इधर ये अंग्रेज का कानून ना चल रहा होता, शरिया लॉ होता, शरीयत कानून चलता। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जिन्हें तालिबान हम कह लें आम अल्फाज में, वो तालिबान बनाए किसने? देखिए अब ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसी जगहों के अंदर ऐसे नेटवर्क मौजूद है और वो करते क्या है? रिसेंटली कोई इल्जाम उन्होंने हम पे लगाया हो, साल 2 साल 3 साल 4 साल में? नहीं नहीं, उन्होंने इल्जाम तो नहीं लगाया फिलहाल, इधर कई लगा दिए हमने, कहा कि जो बलोची लगा दिए वो इसलिए कि अब उनकी पॉलिसी हमारे हुक्मरानों ने अपना। रिलीजियस मसाजिद के अंदर लीडर्स, अहले हदीस जो लोग हैं, इतने बड़े फ्रेमवर्क के अंदर वो ऑपरेट कर रही है, मतलब उनके लिए तो फिर टारगेट ही बहुत ज़्यादा है। इट मींस के पाकिस्तान के अंदर अगर आप सब नेशनलिस्ट को बलोच सिंध पंजाब में कहीं पे और खैबर पख्तूनख्वा में आप सब नेशनलिस्ट को मारेंगे, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बलोचिस्तान में एक इंसर्जेंसी कंपेन चल रही है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में कुछ चल रहा है, जैसे सिंध के अंदर सिंधु देश है, बहुत सारे हम सुनते हैं इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो इसके बाद मसाजिद के अंदर, इसके बाद जी मदरसों के अंदर जी लीडर्स पे हमला हो सकता है, जी अहले हदीस के सेक्ट पे हो सकता है, जी शिया पे हो सकता है, तो मतलब सारा मुल्क ही फिर गया। तो उनके लिए तो टारगेट करना बड़ा आसान है, इट मींस दे हैव फाउंड द फॉल्ट लाइंस, बट द क्वेश्चन रिमेंस दैट व्हाट पाकिस्तान हैज डन, व्हाट हैज पाकिस्तान डन इन फैक्ट टू फिल द गैप, क्या पाकिस्तान कर रहा है और इन हवालों से क्या, जिसे वो कहते हैं ना हकीकत क्या है, ये जो होस्टाइल स्पाई एजेंसीज का नेटवर्क है ये क्या कर रहा है और हमने क्या किया है? ठीक है जी, अच्छा अब देखें वो बंदे वो कहाँ से ढूंढते हैं पाकिस्तान के अंदर से। अभी पता ये चला है कि पाकिस्तान की जो अलीट रेंजर का एक पैरामिलिट्री यूनिट है उसके लोग पकड़े गए हैं, और वो अब अलीट रेंजर का मतलब ये है कि रेंजर तो फौज ही है ना, तो उनके बंदे पकड़े गए हैं जो कि रॉ के बिहाफ पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अब इसका मतलब यह है कि भारत की जो डीप स्टेट है वो पाकिस्तान के अंदर से बंदे खरीद रही है। ठीक है जी,
और अगर वो पाकिस्तान के अंदर बंदे खरीद रही है, अब हुआ यूं है कि ये थोड़ी हाईलाइट डेवलपमेंट्स हुई हैं, जब से पाकिस्तान ने ये कहा कि जी हम कश्मीर को डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मॉरल और वो जो एजेंसी है जो हम भी वो अब मुजाहिदीन को सपोर्ट नहीं करते, और सारे वो जो लोग थे वो घर बैठ गए। अच्छा, जब वो घर बैठ गए, उनको मेन स्ट्रीम कर दिया, किसी ने दुकान खोली, किसी ने कारोबार कर लिया, किसी मस्जिद में बैठ गया, ठीक है जी, वो जहाँ जहाँ वो बैठे हैं इन्होंने क्या किया है, अब वो जो इंटेलिजेंस अपरेटस है इंडिया का डीप इनसाइड, वो पाकिस्तान वो उनको ढूंढ रहा है, उन्होंने बहुत सारे बंदे ढूंढ लिए हैं, उन्होंने बहुत हर चीज में हम कहीं ना कहीं इंडिया को कैसे इन्वॉल्व करते थे, खास तौर पे जो भी होता है या इस तरह के इश्यूज होते हैं, हम कहते हैं किया ये बेशक अफगानिस्तान है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे इंडिया, किया ये बेशक बलोचिस्तान है, उसके पीछे इंडिया। मतलब आपको लगता है कि इंडिया आज 2023 में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में, आईटी में या दुनिया के दूसरे फील्ड में आगे जा रहा है, उसे इन चीजों में इन्वॉल्व होने की ऐसा जरूरत रही है? वो सबसे ज्यादा आगे जा रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी में। इस वक्त आपको नहीं पता, आप खित्ते में तन है, जब अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है ना, तो उनको अपना 20% प्रॉफिट जो BCCI है ना, वो उनको सपोर्ट कर, अफगानिस्तान का पार्लियामेंट इन्होंने, इंडिया ने उन्हें बिल्ड करके दिया, उनको थोड़े पैसे दिए, उसके अलावा उनके ट्रेंड कर रहे हैं। इंडिया की जो ईरान की चाबहार बंदर गए ना, वहाँ पे इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आपकी इर्द गिर्द जो रीजनल कंट्रीज है ना, उन सारों पे इंडियन इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है। बांग्लादेश की अगर बात कर लें, बांग्लादेश में भी जिस तरीके से वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं, G20 में उनकी प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने इन्वाइट किया, पाकिस्तान वाकई में ईरान के साथ कैसे तल्लुक है सबके सामने है, अफगानिस्तान के तो अब सबके सामने, इंडिया हम शुरू से हम कहते हैं कि हमने तल्लुक रखने नहीं है, आ जाके चाइना रह गया। हाँ जी, तो वो हमने ब्लेम गेम इसलिए कर, जिस तरह मोदी साहब जब इलेक्शंस होते हैं ना, तो कोई ना कोई फड्डा छेड़ देते हैं, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, ये वो सिर्फ ब्लेम गेम शुरू करते हैं वोट्स लेने के लिए। पाकिस्तान में भी इस तरह की हेटेड को जानबूझ के प्रमोट किया जाता है, मेरे ख्याल से अगर कश्मीर के नारे को प्रमोट कर दिया जाता है, कश्मीर का मसला अगर हल हो सकता तो मुशर्रफ दौर में हो सकता था, जब अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह आए, जब इन चीज़ों पर डिस्कशन हुई थी, नेगोशिएशन हो, तो हल की तरफ जा रहा था, अब वो रिवर्स आ गया, अब जब इस पे नेगोशिएशन या बात नहीं होगी, ये मसला हल नहीं होगा। और ये मेरा ख्याल बदतरीन मौशी बुरान में गिरा पाकिस्तान, बदतरीन दहशतगर्दी की खुदा ना खास्ता लहर की तरफ जा रहा है, और बाहर की हमारी कोई सरहद जो है वो उस पर अमन नहीं है, और दुश्मन इकट्ठे हैं, हम अंदर तकसीम दर तकसीम दर तकसीम है और नफ़रतों में घिरे हुए हैं। और जो आमिर इलियास राणा ने वो एक कहा था पिछले सवाल के जवाब में, वो 100% ठीक है कि वो मुल्क जो रेफ्यूजीज, इतने बड़े रेफ्यूजीज को अपने सर पर बिठाकर वो सारी कुर्बानियां देकर आज फिर मशकूक का मशकूक है, वजह क्या है? जो दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी थी फिर आ गई, वजह क्या है? हमने गलतियां की हैं, मान लेना चाहिए, हमने ब्लंडर्स किए, हमारी पॉलिसियां गलत थी, हमने पराई जंगें लड़ी, मान लेना चाहिए। आज क्या करना चाहिए? जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। आज क्या करना चाहिए? अपने घर में झांक कर इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए। क्या हम इकट्ठे हैं? नहीं है। पिछले 15 महीनों में क्या हुआ है? 9 मई का स्याह दिन, तारीख दिन, शर्मनाक दिन एक तरफ रख दें, क्या कर रहे हैं हम अपने साथ, अपने घरों में क्या कर रहे हैं? कब हम सोचेंगे? देखें, ये जो कौमी असेंबली थी, ये जो मैंडेट था, ये जाली था, मैं PDM ने कहा, ये अधूरी असेंबली है अभी भी, और इससे पिछले 15-16 महीनों में हमने क्या किया? दोस्तों, वीडियो की खत्म। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ना मैं कहता हूँ, जो चूंटी है ना, चूंटी जमीन पर चलती है, उसको हार्ट अटैक आ जाए, हार्ट होता है उसका, होता ही है, वो हार्ट अटैक से मारी जाए ना, तो उसका भी यही कहा जाएगा कि इसमें भी राख साजिश है। फिर मैं अब ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, खैर कोई भी छोटा बड़ा अमल हो जाए, अपनी लाठियाँ नहीं सोचनी, अपनी कुताहियाँ नहीं सोचनी, तो अपनी कुताहियों पर नज़र नहीं डालनी, अपने ब्लंडर्स पर नज़र नहीं डालनी, भी उसने कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया, ये क्या, ये बकवास है, ये क्या बकलौली है आपकी, मतलब कि आप खुद कर नहीं पा रहे हैं और दूसरों से कहते हैं यार वो कर जा रहा है। क्या देखें ना, यही बात है, वो जो तैयार कार था ना अर्शाद भट्टी, मतलब वो ये कह रहा है कि हम खुद को नहीं देख रहे कि हमने ये सब कुछ किया था, हमने ये TTP है ये खुद इसको बनाया था, अब इसका नतीजा भी तो हमें भुगतना पड़ेगा ना, ना किसी के बनाया, हमने इंडिया के खिलाफ था, वो बनाया उनके खिलाफ था, लेकिन अब भुगतना हमें पड़ रहा है, वो उल्टा हमारे खिलाफ हो गई है। अच्छा, मैं तो भाई इसको अच्छा कहता भाई परवेज मुशर्रफ अल्लाह उनको दिनों से भी इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता,
परवेज मुशरफ ने ऑन कैमरा ये माना है कि भाई हमने वो हमारे मुजाहिद है, मिलिटेंट्स है, मतलब हमारे मुजाहिद है, हम उनको मुजाहिद मानते हैं और हमने खुद उनको ट्रेनिंग दी है। यार ये देखिए कि मैं कहता हूँ अफगानिस्तान में तो खैर है, इसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान के अलावा ये कहीं भी नहीं पाए जाते। अच्छा ये जो कंट्री की आर्मी होती है उसको मिलिटेंट्स की क्या? ये दो अब जो जवान दो तीन शहीद हो गए, 10-11 जो दूसरे लोग शहीद हो गए, क्या इनका कसूर था? ऐसे बेचारे मारे गए, ना उनको बेचारों का कोई कसूर, ना लेना देना इस वाक्य से, ना कुछ। अच्छा ये देखें कि अब जो है ना, जो है ना, हम तो मतलब पाकिस्तानी ये इस तरह करते हैं, इंडिया की साधा है, राह की साधा है, राह कर रहा है, राह ही बोल रहे हैं। अच्छा, तो मुझे पता है लेकिन ये कौन कर रहा है? मुझे, मैंने जो है ना अक्सर देखता रहता हूँ, जो अफगानिस्तान के जो तालिबान हुकूमत है ना, वो अब एक खुले मैदान में आ गई है। वो सरेआम वो कहते हैं जो निकाल रहे हैं ना ये अफगान रेफ्यूजी जो अफगानी, उनको ना निकाले वरना हम पाकिस्तान को ये कर देंगे वो कर देंगे, धमकियां देते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अफगानी है और हमारी आर्मी जो है ना बगैर तो खैर है ही है, लेकिन अब इस मामले में आपके ज्यादा सुस्त हो चुकी है भाई। या वो आपको नहीं कुछ समझ हो जाएगा, मेरी बात कम्प्लीट होने दें, फिर आपको भी चाहिए आपके पास पूरा सिस्टम है, ये रोज रोज जो अपडेट तेरा ड्रामा हाँ। ड्रामा बना हुआ है, एक दिन आपके साथ उनके साथ कुछ करें या वो आपको खत्म कर दें या आप उनको कर दें, ये क्या ये बेचारा? अच्छा हम मानते हैं, चलो मान लेते, इतनी बात मान ली, रॉ ने किया तो आप एक मिनट रहे, मतलब बात मैं फर्जी कर रहा हूँ, एक बात भाई मैं करता हूँ भाई, मैं रहमतुल्ला से ला तल्की का ऐलान करता हूँ भाई, ये जो बातें कर रहा है आर्मी के खिलाफ ये अपने दम पे कर रहा है। तो एक बात, दूसरी बात ये जो भाई ये अटैक हो रहे हैं, ये जो आतंकी हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में, यार इसकी जो आपकी नेगलिजेंस बोल रहे हैं, ये अपना मैं कहता हूँ कि बोझ जो गैर जिम्मेदाराना बातें हैं ये दूसरों के कंधे पर क्यों डालते हैं? यार आप सर्च करें, आप इन्वेस्टिगेशन करें कि यार ये किसने किया है, फिर आप बात करें कि भाई ये रॉ ने किया है, अफगानिस्तान के जो है तालिबान उन्होंने किया है, फिर आप बोले जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। अच्छा, तो आप किसी पे इल्जाम लगाते हैं हर चीज में, आप राह को इस्तेमाल कर लेते हैं। मान लिया, मैं एक मफरूजा बनाता हूं, इनको पता नहीं यार मैं मोदी का फैन हो चुका हूँ भाई। अच्छा मान लिया, खैर मैं मानता हूँ, मैं एक सपोज टू बी रॉ इन्वॉल्व है, तो ये जो हमारे इंटेलिजेंस इधर क्या जग मारने के लिए, ये भाई ऐसे करने के लिए बैठे हुए ऐसे, और कुछ नहीं कर रहे, भांग पी हुई है, कोई नशा किया हुआ इन्होंने, फिर ये फिर ये क्या कर रहे हैं? क्या बताओ उस मारी आईएसआई बेचारे को क्यों? यार भाई खुदा के लिए डायरेक्ट नाम ना लो, मेहरबानी कर लो, तुम्हें पता भी चला तुम किधर से बोला करें भाई, कोड वर्ड्स सॉरी आपके लिए कह रहा हूं, मुझे कोई नहीं है उनसे डरने, हमें पता है भाई आप वो कोड वर्ड्स में बोले तो अच्छा समझ क्या हमारा जो खास इदारा है, अच्छा वो हमारे बड़े कह रहे हैं भाई बड़े बड़े, अच्छा वो इस वक्त उनका मुकम्मल जो ध्यान है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, अब इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन पर ध्यान होना, तो आप उनको मसरूफ है, आप उनको दोषी ठहरा रहे हैं। हमारे गाँव के कितने दो चार लड़कों ने मतलब कोई छोड़ चुके हैं, मतलब ये जॉब उनके इदारों से छोड़ कर आ गया। अच्छा, वजह क्या है? वो कहते हैं कदर नहीं है, हम रोज आदमी कहते हैं, वो जो एक लड़का था रेंजर में था, वो के बता रहा था कि भाई रात को सोए हुए होते हैं, पता नहीं होता सुबह को सारे तन से जुदा हुआ पड़ा होना, पता नहीं किधर होना, मर गया होना, किधर होना, वो छोड़ कर आ गया, इधर ही उसकी मतलब पोस्टिंग थी, और वो बन्नू में ही, वो एक हमारा भी रिसेंटली केस आया है, क्या नाम है उसका, बन्नू में ही था, वो क्या नाम, बिलाल पाशा बड़ा यंग मेरी एज का लड़का था, सीएसपी ऑफिसर था, टॉपर था, उसने बड़े अच्छे तरीके से मतलब सीएसएस किया, फिर पोस्टिंग उसकी उधर बन्नू में हो गई, कहते हैं कि हार्ट अटैक आया, बाज़ बात उसकी आंख में भी पट्टी लगी हुई है, कुछ कहते हैं आंख पर गोली लगी हुई है, कोई पता नहीं चल रहा, मतलब बन्नू के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे खराब हो रहे, सारा कहते हैं कि ये रॉ की साजिश है, रॉ के लगती है, गलत बात है यार, बगैर इन्वेस्टिगेशन या बगैर प्रूफ्स के कोई भी किसी भी एजेंसी पे इल्जाम लगाना गलत बात है, है तो रोक लो, रोक सकते हो तो बात ये यहां बिल्कुल सही बात, दम मत रोक लो, वो अपने दम पर कर रहे हैं, अगर कर रहे ना तो इसका मतलब तुम कमजोर हो चुके हो ना मर्द हो चुके हो, सीधी बात करें, सही बात है भाई, है दम तो रोक लो, कोई शक नहीं है, तो आप भी कर लो, वो कहते हैं साजिश करते हैं साजिश, तो भाई साजिश इससे होती है, इससे होती है पावर से, करो
हर चीज में मुलव्वस करते हो, तुम भी करो ना, तुम किधर, क्या तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई हुई है? देखो इस तरह का जो है ना सिचुएशन है तो सिर्फ इल्जाम तराशी हमें करनी आती है और अपना हमें देखना नहीं आता, वो कर गया वो कर गया। मैं बस इतनी कहता हूँ ये बस अपने गिरबान तक रहे, ये मुझे मतलब कम और खिलवाड़ इसके साथ ज्यादा ऐसे ही है, ऐसे ही है। मिलता नहीं वीडियो बनाने के साथ, अब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।